नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुश मिश्रा। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। रसायन के अध्ययन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे मेटलर्जी, धातु कर्म के बारे में, धातु कर्म है क्या, इन सभी के बारे में हम लोग जान पा रहे थे, राइट। और अब हम लोग जानने वाले हैं धातुओं के शोधन के बारे में, किसी धातु को शोधित कैसे किया जाता है, किसी धातु को प्यूरिफाइड कैसे किया जाता है, राइट। तो इन सभी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जो अयस्क होते हैं बच्चों, ये पृथ्वी के खान से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी के भूपर्पटी के अंदर से प्राप्त होते हैं। अब वहां से जब हम लोग अयस्कों को बाहर निकालते हैं तो कुछ न कुछ उसमें अशुद्धियां अपद्रव्य पदार्थ जरूर मिले रहेंगे, राइट। तो अब यहां से हमें शुद्ध मेटल, प्योर मेटल कैसे प्राप्त करना है, इन सभी के बारे में जरा हम लोग सीखेंगे, राइट। धातुओं का शोधन है क्या, अयस्कों से अयस्कों में उपस्थित शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को ही धातु का शोधन कहते हैं, या अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियां अपद्रव्य पदार्थ दूर करने की क्रिया को ही धातु का शोधन कर सकते हैं। आप इनका डिफिनेशन बच्चों दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो आप शुद्ध धातु निकाल लीजिए, दूसरा या फिर आप अशुद्धियों को इससे दूर कर दीजिए। और ये जो प्रक्रम होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो तीन है। धातुओं का शोधन यहाँ पर हम लोग तीन विधि द्वारा करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में सिखाया जाता है। पहला है इलेक्ट्रोलाइट मेथड, द्रवण विधि, सॉरी पहला है विद्युत अपघटनी विधि, दूसरा है द्रवण विधि, तीसरा है आसवन विधि। तो आप पहला हेडिंग डालिएगा विद्युत अपघटनी विधि, राइट, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, विद्युत अपघटनी विधि। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों कि विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किसी धातु को प्यूरिफाइड या किसी धातु को शोधित कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल है, जरा इनके बारे में हम लोग सीखते हैं। यहां पर हम लोग करते क्या है, एक बड़ा सा पात्र लेंगे, राइट, एक बड़ा सा पात्र लेंगे और इस पात्र में जो अशुद्ध धातु की मोटी क्षण होगी उन्हें एनोड बनाएंगे, शुद्ध धातु की पतली क्षण को कैथोड बनाएंगे, अशुद्ध धातु की मोटी क्षण को एनोड बनाएंगे, शुद्ध धातु की पतली क्षण को कैथोड बनाएंगे, राइट। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर जो अशुद्धियां अपद्रव्य पदार्थ होंगे, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये अशुद्ध धातु की मोटी मोटी क्षण है, इन्हें हम लोग एनोड बनाते हैं, और ये शुद्ध धातु की पतली क्षण है जो कैथोड कार्य करती है, राइट। और ये जो बच्चों पात्र होता है, ये भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट से, बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रोलाइट से ये भरा होता है। और अगर ये CU की क्षण है तो हम CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट भी लेंगे, कॉपर सल्फेट, राइट। और यहां पर ये जो हम लोग इलेक्ट्रोड लेते हैं, ज्यादातर प्लेटिनम का भी इलेक्ट्रोड लेते हैं, क्योंकि प्लेटिनम निष्क्रिय होता है, जल्दी क्रिया नहीं करता, ये आपको बात समझ में आ रही होगी। हमने आपको मुक्त अवस्था जब बता रहे तो वहां पे हमने बताया था प्लेटिनम धातुएं जैसी ये सब धातुएं होती है मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, क्योंकि बहुत कम क्रियाशील होती हैं। अब यहां पर हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट भरा, राइट। और उसमें इस कंटेनर में हमने क्या किया, एनोड की छड़ डाला। अब ये जो आप देख पा रहे हैं एनोड की बच्चों छड़ है, इसमें शुद्ध धातुएं भी हैं, अशुद्ध धातुएं भी हैं। भाई यदि आप पृथ्वी के खान से अगर आप बड़े बड़े चट्टानों को निकालेंगे, बड़े बड़े मेटल्स को निकालेंगे आप, तो उसके साथ साथ अशुद्धियां भी रहेंगी ना, शुद्ध मेटल भी रहेंगे कुछ, उन्हीं से हमें शुद्ध मेटल प्राप्त करना है, तो अशुद्धियां भी रहेंगी, शुद्ध दोनों भी रहेंगे। इसलिए हम बोलते हैं शुद्ध धातु की मोटी मोटी क्षण एनोड के रूप में, और जो शुद्ध धातु की पतली पतली क्षण होती है वो कैथोड के रूप में विद्युत अवघट के विलयन में लटका देंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। फिर होता क्या है, एनोड भाग से शुद्ध धातु आयन के रूप में निकलेंगे, और ये आप जानते हैं जो धनायन होता है वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होता है, ये जाकर धीरे धीरे कैथोड की छड़ों पर जमा होता जाता है। इस प्रकार से आप कुछ समय बाद देखेंगे एनोड जो धातु की छड़ होती है वो पतली होती जाती है, कैथोड धातु की छड़ ये मोटी होती जाती है। और आप ऐसा समझ पा रहे हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि एनोड भाग से जो मेटल्स होंगे निकल निकल कर वो धीरे धीरे कैथोड की छड़ों पर जमा होते जाएंगे,
ये मेटल्स करते क्या है, इलेक्ट्रॉन को इस क्षण पर डोनेट करके विलयन में चले जाएंगे आयन्स फॉर्म में कन्वर्ट होकर, और ये धीरे धीरे इन क्षणों पर एकत्र होते जाएंगे। और जो बच्चों अशुद्धियां अपद्रव्य पदार्थ होते हैं ये पात्र के तले में नीचे की ओर एकत्र हो जाते हैं इस प्रकार से, और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। और इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किसी धातु का शोधित करते हैं। बहुत सिंपल इसमें हम लोग करते क्या है, एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, भरने के बाद शुद्ध धातु के मोटे क्षण एनोड के रूप में, शुद्ध धातु के पतले क्षण कैथोड के रूप में इस इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग क्या करते हैं, लटका देते हैं। लटकाने के बाद विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे एनोड भाग से शुद्ध धातु निकल कर आएंगे विलयन में आएंगे, विलयन से होकर कैथोड के क्षणों पर जमा होते जाते हैं। इस प्रकार से विद्युत अपघटनी विधि में 99.98% शुद्ध मेटल प्राप्त होता है, ये बात हम लोग ध्यान में रखना है। कितना? 99.98% शुद्ध मेटल प्राप्त होता है, और वो भी कापर। कापर यदि कापर आप सोचते होंगे ज्यादातर कापर धातु का निष्कर्षण ये बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है, बहुत और भी धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं लेकिन कापर जो धातु है बच्चों बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके लिए माना जाता है। और कहीं कहीं तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इस विधि से जो कापर होता है 99.99% शुद्ध मेटल्स प्राप्त होता है, राइट। और आप देखते होंगे जो कि तांबा कापर, और ये बहुत अत्यंत कीटाणुनाशक भी माना जाता है। आप देखते होंगे प्राचीन काल में लोग ताम्र जैसे बर्तनों में रखे हुए वाटर को ड्रिंक करते थे, पीते थे, जिससे जो उसका जो ताम्र का तत्व है बच्चों, जो उनके तत्व होते हैं मेटल्स होते हैं, वो छूट वहां से छूट कर निकल कर वो क्या होंगे आपके शरीर में जाएंगे, और आपके शरीर को हमेशा क्या करते हैं, बॉडी को मेंटेन रखते हैं, राइट। पहले आप देखते होंगे एंशेंट हिस्ट्री वगैरह यदि आप पढ़िए तो प्राचीन काल से ही लोग ज्यादातर इस प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते हैं, इस प्रकार के पात्रों का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे समय होता गया इनकी जैसे जैसे कमी होती गई, आप कुछ भी समझ सकते हैं, तो अब इनसे लोग दूर होते गए, अब तमाम प्रकार के सब मिक्सिड अब वैरायटी के पात्र आने लगे। तो ये जो ताम्र होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 99% शुद्ध माने जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग समझ पाए विद्युत अपघटनी विधि के बारे में। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद अब हम लोग जानते हैं द्रवण विधि और आसवन विधि। बहुत ही सिंपल मेथड है, दोनों हेडिंग के बारे में हम लोग लिखते हैं। पहला है द्रवण विधि और दूसरा था ये तीसरा है आसवन विधि, राइट, आसवन विधि। चलिए अब इन प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। द्रवण विधि आसवन विधि का उपयोग हम लोग कब करते हैं, किस प्रकार के धातुओं का शोधन हम लोग द्रवण और आसवन विधि में करते हैं, राइट। तो बच्चों ये लिक्वेशन प्रोसेस, लिक्वेशन मेथड और आसवन विधि की बात करें तो कम गलनांक के जो धातु होते हैं उनका शोधन हम बोल रहे हैं। इसका क्या डिफिनेशन लिखे, बहुत सिंपल डिफिनेशन है, आप पेन कॉपी उठा लीजिए और लिखते जाइए। चलिए, कम गलनांक के जो धातु होंगे उनका शोधन हम लोग द्रवण विधि द्वारा करते हैं। कम गलनांक के जैसे जो धातु होंगे इसमें आएंगे SN, PB और HG, ये कम गलनांक के धातुएं होती हैं, और इनका शोधन हम लोग किस विधि द्वारा करते हैं, द्रवण विधि द्वारा। यानी कम गलनांक के धातुओं का शोधन जो होता है बच्चों हम लोग द्रवण विधि द्वारा करते हैं, जैसे SN, PB और HG। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये कम गलनांक के धातु होते हैं, बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ये लिक्विड में बदल जाती है SN, PB और HG, राइट। इसमें हम लोग करते क्या है, द्रवण विधि में ढालू चूल्हे पर इन धातुओं को गलाया जाता है जिससे पिघली हुई धातु नीचे की ओर प्राप्त हो जाती है, राइट। और आसवन विधि की बात करें, आसवन विधि अपने नाम से ही परिचय दे रहा है, आसवन विधि में जैसे एग्जाम्पल आएगा JDN और HG। तो JDN और HG वाष्पशील धातु है, वाष्पशील धातुओं का शोधन बच्चों हम लोग आसवन विधि द्वारा करते हैं। इस विधि में करेंगे क्या, अगर आप समझ सकते हैं ये वाष्पशील धातु है तो टेम्परेचर पे वेपर में बदल जाएंगे,
तो हम लोग करेंगे क्या, एक ऐसा फ्लास्क लेंगे, पात्र लेंगे, और उस फ्लास्क को हम लोग बर्नर के द्वारा यानी कि ट्यूब के द्वारा गैस जार, सॉरी गैस जार नहीं, किसी जार से हम लोग एकत्र कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आप फ्लास्क को गर्म करेंगे वेपर में बदलेगा और नली से होकर जाएगा जार में, धीरे धीरे एकत्र हो जाएगा। तो वाष्पशील धातुओं का शोधन हम लोग आसवन विधि से करते हैं और कम गलनांक के धातुओं का शोधन द्रवण विधि से करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग समझ पाए धातुओं के शोधन करने की विधियां, बहुत ही सिंपल विधि है, विद्युत अवघटनी विधि है, द्रवण विधि है, आसवन विधि है। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है बच्चों इसमें, वो है विद्युत अवघटनी विधि, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम कॉम्पिटिशनल में इनके प्रश्न भी बनते हैं, राइट। और अभी तक बच्चों हम लोग काफी कुछ मेटलर्जी के बारे में अध्ययन कर पाए और जो प्यूरिफायर से संबंधित है धातु शोधन के बारे में, अभी तो हम लोग काफी कुछ अध्ययन करेंगे आगे, जैसे बेसेमरीकरण वगैरह है, वहां पर हम लोग कुछ प्रोसेस के बारे में जानेंगे। खैर बेसेमरीकरण में तो शुद्ध मेटल नहीं, वहां इसको का सांद्रण करते हैं, लेकिन जैसे हुप हेराल्ड विधि है तो वहां पर हम लोग एल्यूमिनियम का शोधन करते हैं, दंड विलोडक विधि है, तो ये सब इन सभी विधियों के बारे में भी हम लोग जानना है। बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब और उन बच्चों के पास शेयर करने की कोशिश करिए जिन्हें इनकी काफी जरूरत है, जो कोचिंग अफर्ड नहीं कर सकते। और अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।